मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज विधायक और पूर्व मंत्री ने मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता ज्योतिराज सिंधिया को लेकर दिया बड़ा बयान। भाजपा मचा हड़कंप। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता ज्योतिराज सिंधिया के विषय में। क्या है पर जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, मध्य प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वरिष्ठ नेताओं की बैठक बीजेपी में किसी बदलाव के संकेत दे रही है। हालांकि बीजेपी लगातार उन मुलाकातों को संगठन के विस्तार की मुलाकात बता रही है, जबकि मामला कहीं ना कहीं संघ संगठन और सिंधिया केंद्रित भी आंका जा रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश दौरे पर रहे ज्योतिराज सिंधिया के रुख को लेकर कई तरह के कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश दौरे के बाद से लगातार मोदी कैबिनेट के विस्तार और ज्योतिराज सिंधिया को रेल मंत्रालय सौंपे जाने की खबर सियासी गलियारे में आम हो गई है। केंद्रित नेतृत्व की तरफ से सभी अभी तक कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। इधर कांग्रेस द्वारा लगातार पार्टी से बागी बनकर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिराज सिंधिया को निशाना बनाया जा रहा है। बीते दिनों राज्य के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिराज सिंधिया पर हमला बोला था। इस दौरान जयवर्धन सिंह ने कहा था कि जब से सिंधिया भाजपा में गए हैं तब से वहां गुटबाजी और भी गहरी हो गई है। इतना ही नहीं, सिंह ने कहा था कि कांग्रेस में सिंधिया का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन सिंधिया को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी। मीडिया से चर्चा के दौरान सिंह ने एक सवाल भी किया था, आखिर बीजेपी में सिंधिया की जगह क्या है।